अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि माशाल्लाह शबरात करीब है और मेरी कोशिश है कि शबरात के हवाले से जो भी हलवा जात बनते हैं, जो लोग घरों में हलवे बनाते हैं, उसकी असल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने चने की दाल के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सूजी का जो टुकड़ी वाला हलवा बनता है हलवाई स्टाइल में, उसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो आज उन्हीं की फरमाइश पर ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो देख लेते हैं दोस्तों, हलवाई स्टाइल में सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पर और 1.5 kg दोस्तों मैं देसी घी ले रहा हूँ, आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं। तो 1.5 kg देसी घी शामिल कर दिया है, इसको गर्म कर लेंगे सबसे पहले। तो ये मैं दोस्तों बना रहा हूँ सूजी का हलवा, कमर्शियल लेवल का। आप घर में भी इसी रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। और मैं बना रहा हूँ 4 किलो सूजी का। तो 4 किलो सूजी मैंने इसमें शामिल कर दी है। 10 से 12 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे ताकि सूजी से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो याद रखिएगा, ज़्यादा भी हमने सूजी को लाल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसको लाइट ब्राउन करना है। और इस दौरान चम्मच इसके अंदर आपने चलाते रहना है, वरना सूजी आधी आपकी भुन जाएगी और आधी कच्ची रह जाएगी। तो सूजी को जब भी आप भुना करें तो इसमें चम्मच लाजमी चलाते रहा करें, उससे बहुत ही अच्छा हलवा बनता है और एक एक दाना जो सूजी का होता है वो अच्छे से भुन जाता है। तो माशाल्लाह से सूजी हमारी तैयार हो चुकी है, इसने थोड़ा अपना कलर भी चेंज किया है और देसी घी की और सूजी की बहुत ही प्यारी खुशबू इसके अंदर से आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करने लगा हूँ 3 किलो। तो 3 kg इसके अंदर चीनी शामिल कर लेंगे, नॉर्मल चीनी है। और 3 लीटर इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही दूध का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको हमने और पका लेना है। जैसे ये थोड़ा सा थिक होगा हम इसकी बॉल बना के देखेंगे, 6 मिनट भी पक सकता है ये, 5 मिनट भी। और अब भी इसके अंदर चम्मच हमने चलाते रहना है और आँच दोस्तों इसकी वही रहेगी, मीडियम वाली ही, आप मीडियम से भी थोड़ी सी कम रख सकते हैं। इतनी आँच आपने रखनी है कि हलवा आपका जले ना, नीचे लगे ना, इतनी आँच आपने रखनी है इसकी। जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो माशाल्लाह से दोस्तों हलवा हमारा थिक हो चुका है, इसको चेक करेंगे इस तरीके से इसकी बॉल बना के। तो बॉल थोड़ी सी इसकी हार्ड बननी चाहिए और हाथों को चिपकने नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे ताकि हलवा नरम ना रहे हमारा और इसके पीसीस जो हैं वो अच्छे से बने। तो इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है दोस्तों। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद। तो ज़्यादा सख्त भी आपने नहीं करना दोस्तों हलवा, क्योंकि ये जैसे जैसे 1 से 2 दिन अगर जो आप इसको बना के रखेंगे तो ये सूख जाती है सूजी। तो शुरू में आपने थोड़ा सा नरम रखना है हलवा, अगर जो आपने ज़्यादा दिन तक इसको इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा नरम रखिएगा, अगर जो फ़ौरन से आपको इस्तेमाल करना है तो फिर थोड़ा सा आपने इसको जान में रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। तो मैं इसको दोस्तों थोड़ा नॉर्मल टाइप का रख रहा हूँ ताकि 2-4 दिन अगर जो रखा भी रहे तो ये सूखे ना, कड़क ना हो। तो 3 अदद मैंने ट्रे लगा दी हैं और ये है रूहे केवड़ा, केवड़ा वाटर भी इसको बोलते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें खुशबू के लिए शामिल कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर जो आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ट्रे के अंदर मैंने पेपर लगा दिया है, केवड़ा वाटर को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसको ट्रे के अंदर निकाल देना है और सेट होने के लिए रखेंगे इसको। पहले एक दफ़ा मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट भी ट्रे के अंदर
लगा दिए हैं। तो दोस्तों अगर जो आप नीचे की तरफ ड्राई फ्रूट लगाएंगे ट्रे में, तो आपने हलवे को पूरी ट्रे में फैलाकर डालना है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे अगर जो आप डाल देंगे तो ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हलवे में वो नीचे चिपके हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इस ट्रिक से हलवे को फैला के डालना है। तो तीनों ट्रे के अंदर तकरीबन सेम ही एक ही तरह का हलवा मैं डाल दूंगा और इसको सेट होने के लिए रखेंगे। अभी एक ट्रे के अंदर डाला है, बहुत ही मज़े का बनता है दोस्तों। सूजी का टुकड़ी वाला हलवा अगर जो आप देसी घी से बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बनस्पति घी से भी आप बना सकते हैं। अलबत्ता मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूँगा कि मिठाइयाँ आप तेल से ना बनाया करें, मिठाइयों में बनस्पति घी या देसी घी सबसे बेस्ट है। या तो फिर आप बनस्पति घी ले लिया करें, कोई सा भी अच्छी ब्रांड का। तो थोड़ा सा ये मैंने इस पर ऐसे ही निशान लगा दिए हैं। तो माशाल्लाह से अब इसको 4 घंटे के लिए मैं रख रहा हूँ दोस्तों रेस्ट पर, और 4 घंटे के बाद जब ये सेट होगा तो फिर इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा हमारा हलवा बना है। तो माशाल्लाह से दोस्तों अभी तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, पूरे नहीं हुए, तो मैंने सोचा इसकी कटिंग कर लूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो पहले छुरी की मदद से इसकी साइडों को साफ़ करेंगे ताकि उतर जाए। इसको कल्टी करेंगे इस तरह से ट्रे को, पेपर लगा हुआ है पेपर को हटाएंगे। तो मैं हमेशा की तरह दोस्तों इसके बनाऊंगा चकोर चकोर पीसेस, क्योंकि मुझे चकोर पीस ही अच्छे लगते हैं मिठाइयों के। आपको जैसे पीसेस अच्छे लगे हैं आप बना सकते हैं। तो मुझे दोस्तों ये सेल आउट करना है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना रहा हूँ चकोर चकोर खूबसूरत से, और आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे कि कैसा हमारा बना है सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। तो अभी दोस्तों ये इतना कड़क नहीं हुआ है कि एकदम कड़क, अगर जो आप इसको थोड़ी सी देर और रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर जो शुरू में आप ज़्यादा पका देते हैं हलवे को कड़क करने के चक्कर में, तो फिर ये जैसे 2-4 घंटे 6 घंटे ये रखा रहता है तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसका कि मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं डिश आउट करने के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बना है। आप इसकी शाइनिंग देख लें और किस तरीके से पीसीस भी देख लें, माशाल्लाह चकोर चकोर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। प्यारे दोस्तों रेसिपी अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।